या रबी की फसल की बुआई होना है, लगभग 4 एकड़ खेत जोत कर बना है, डीजल नहीं है, ट्रैक्टर में 4 दिन जाकर हम बैंक को 3 दिन लाइन लगाए और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पैसा ख़त्म हो गया। और ये लगता है कि कहते हैं कि कल आओ कल आओ, हम लोग 8 बजे से जाकर लाइन लगाते हैं और पैसा नहीं मिल पाता है, इसलिए बुआई नहीं हो पा रही है, खाद मिल पा रहा है, बड़ी समस्या है सर। और अभी ये सरसों है, गेहूँ है, फिर सर्दी वाला गन्ना बोते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बीज भी नहीं मिल पा रही है, खाद भी नहीं मिल पा रहा है, ट्रैक्टर डीजल बिना खड़ा है, आप देख लीजिए। ये तो खैर कदम काले धन के लिए अच्छा ही है, लेकिन तो अब क्या बताऊँ, हम लोगों के लिए समस्या है, जिसकी शादियाँ हैं उसके लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, और ये हम लोगों की फसल की बुआई नहीं हो पा रही है, न डीजल मिल पा रहा है, न बीज मिल पा रहा है। बहुत बड़ा असर पड़ा है खेती किसानी पर, खेत सब खाली पड़े हैं, कटाई हो गई है, खेत सब खाली पड़े हैं, बीज और खाद के अभाव में खेती आगे नहीं बढ़ पा रही है, बुआई नहीं हो पा रही है, और सब लोग खाली बैठे हैं, सिर्फ उसी बैंक की ओर पूरा दिन बीतता है, उसी में लाइन लगाए लगाए सब बीतता है, कभी 200-400 रुपया मिल गया तो उसी से साग सब्जी और अन्य खर्चाएँ, आवश्यक खर्चाएँ चलती हैं।